पता नहीं पता।
धन्य नार पतिव्रत अनुसर। मैं निवेदन करत रही, वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म के परिपालन करता है। कुछ दिन पहले एक झंडाई के हम रामायण हुआ तो चलना हो रामायण सुने जाबो ऐसे के हो का रामायण सुने जाबो रामायण में कौन लिखे जानता कि मुला का हाथ जानता थे कौन लिखे तुलसीदास जी। अच्छा तो तुलसीदास जी का अपराध कटे है रामायण लिखे? अरे अपराध नहीं करे बाबा, तुम्हारे पर बने बने बात लिखे तो हमारे पर गिन है बात लिखे हम जी भी स्वतंत्र हुई बिगड़े नारी के। आज सरकार का नारी और पुरुष का बराबर के दर्जा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ना जिम स्वतंत्र है बिगड़ रही नारी के, स्वतंत्रता से नारियां बिगड़ सकती है इसे लिखे। हम लोग ना पुरियत में खुश रहा है इसे लिखे, हम का करें जाओ के तुम्हारे बराबर बात लिखे। मैं कह रहा नहीं जाए तब समझ अंतर है, तुलसीदास जी जैसे आदमी है नारी के विषय में नहीं लिख सकते। जो नारी की वेदना पर रोते हैं अपन
अंधार ला बगल से बना लेता नहीं है, लेकिन बेटियां बेटियां विपत्ति हो या सुख हो जिस परिवार में जुड़ी है उनके साथ विपत्ति काल में भी किनारे करके अलग दिशा बना करके नहीं चलती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में राजा जनक अपनी बेटी सीता को यद्यपि वनवास 14 वर्ष के लिए राम को हुआ था लेकिन सीता को तपस्वी के देश में चित्रकूट में जब देखा तो राजा जनक बोल पड़ते हैं पुत्री पवित्र की है कुल दो दोनों कुल को पवित्र करने वाली बेटी है और गंगा वन सब तीन बने रहे पते किए साधु समाज बने रहे। बेटी आज तो महिमा गंगा की गंगा केवल तीन छोड़ना बड़े तीर्थ बना है गंगा सागर में निकल गंगा की निकल से कहां हिमालय से और हिमालय से निकल करके एक बड़ा तीर्थ बनाया है हरिद्वार को उसके बाद एक बड़ा तीर्थ बनाया है प्रयागराज को और उसके बाद अंत में गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है लेकिन बेटी हर घर का तीर्थ बना है। इसलिए बेटी बेटी के लिए लिखे धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी जो स्वामी जी एक पंक्ति लिखते वन लांग के फिर एकाधिक आदमी में सहज पावन नारी पति सेवक सुरती सहज पावन देखिए भाव निकाले गलत भाव मत निकाले अधिकार अर्थ मत करो सहज पावन नारी मतलब सर्वकारी का पवित्रता नारी में होती है ऐसा अर्थ लगाते हैं गलत अर्थ सहज अपावन नारी सहज और अपवित्र नारी भी पति की सेवा करके परम गति को प्राप्त कर सकती है सहज और अपावन नारी। वैसे एकर ले पहली चार किस्म के नारी बता है सती अनुसुईया हर सीता ले चार जग पतिव्रता चार विधि आई उत्तम के यश बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही मध्यम वर पति देखे कैसे भाता पिता पुत्र जैसे वंश विचार समझ कुल रही ते निकृष्ट सीय श्रुति अस कही पति वंचक पति पर पति रत करी रोरो नष्ट कल्प सत परी ये चार प्रकार बताए तो सहज व पावन नारी तो तीसरा नंबर के और चौथा नंबर के नारी तेल लगी के पति सेवक शुभ गति लगी पति सेवक करेगी ना केवल शुभ गति मिली वैसे ये पति व्रता धर्म से किसी एक बात कभी कभी समझ में नहीं है नहीं भाई देवता का पूजा करके तो देवता से या देवता का पाना है पूजा करो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राम जी सामने बैठे पर शंकर भगवान का पाना है या कहते नहीं भाई ओम पति देवाय नमः पति देवाय नमः ऐसे पति सेवा कर रहा है पति के जाप कर रहा है पति पूजा कर रहा है तो पति तो नित्य प्राप्त है तो कर सेवा कर सेवा मिल ही ऐसे कहूंगा पति सेवा कर रहे हैं तो मैं एक बात निवेदन करूं पत्नियां पति की सेवा करने के से पति को भले पूजा करें लेकिन पति के पूजन के माध्यम से ही परमात्मा को परिप्राप्त कर सकती है इसलिए पति का पूजा करो। दूसरी बात अब बता देता हूं अमित दानी भरता वैदेही अमित दानी दुनिया में कक्को दानी हो है लेकिन पति देव तले बढ़ के दानी कोनो नहीं है नहीं अर्थात दादा पूंजी पसरा वाले हो बेटी लेके कर दे दीजल वो को जनी तोर भाई मन तोर मान गौन करही नहीं करही एक ले एक एकड़ ला मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ आजे लेके दो एकड़ ला दे दी सरबस ला दी ना तो कर बेटा छह से घुमा दी नट बोल्ट ला नहीं भाई ता अमित दान भरता बे दे अमित दान वो कल बड़े तोर पतिल बढ़ के दानी कोनो नहीं है नहीं पति डॉक्टर है और पत्नी है अंगूठा छाप और दोनों के साथ भावर घूम गए अरे उनकर घर डॉक्टर ही ना है चल देखे वो कतका सुंदर है कहा अंगूठा छाप तक पहली नहीं पढ़े वो घर में पहुंचीस ना वो डॉक्टर ही बन नहीं पति गुरु जी है पति गुरु जी है ये है पहली दूसरी घर नहीं पढ़े वो घर में घिस ना सात भाव और पढ़ के ओकर घर छोटे बाबू घर मास्टरिन ला देखे हैं इसका इसे कहा वो मास्टरिन बन के देख है औ पति ते हैं मत पढ़े रहा लाह ना ते पति मत पढ़े रहा आ ये कहूँ डॉक्टरिन हो गए तो डॉक्टर की ही कर नहीं भाई और पत्नी है डॉक्टरिन हो गए था तो डॉक्टर की दी नहीं कहा भैया उतका कर नहीं दे सको जौन हाँ पति देते दूसरा जिमि सुतंत्र हो बिगड़ नारी लिखे के पीछे उद्देश्य येरी से पूजपात राजेश्वरानंद जी सरस्वती ये बात कहते हैं बड़ी अच्छी लगती है मुझे आपके बीच रख दूं ए मन हीरा है ए मन सोना है
है एमन चांदी एमन हमर धन है। और दुकानदार शटर ला बंद करते ना तो कीमती सामान ला भीतरा थे और तब लाक लगाते दुकान में शहर तीर और सब जाना था लेकिन सब सामान ला भीतरा तारा लगावत रहा है और दो चार थी बीस बीस किलो बट सामने मारे रहा है। एक जन आदमी कहते सेठ ये सेठ अरे तारा लगा डे रहे बड़े बड़े बट मारे ये मेरे नहीं भीतरा ये लोहे का बाट है इसे कौन ले जाएगा बाकी कीमती सामान अंदर कर दिया है। तो बेटा जात पर लोहा बाट है और रात भर कोनो मेरे परे रही कोई झंझट नहीं है कोई टेंशन नहीं है नहीं। और ये मन सोना है हमार धन है और धन ला तिजौरी में रखबे तबे सुरक्षित रह सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारियों को इतनी स्वतंत्रता मत दो मत दो। यहाँ चोरों की कमी नहीं यहाँ लुटेरों की कमी नहीं इसलिए इन्हें मर्यादा में रखो ससीम या सीमित जगह जहाँ सुरक्षा हम दे सके इतने जगहों में इन्हें स्वतंत्रता दो नहीं। मैं निवेदन करत रहे हूँ धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है वो नारी धन्य है और ये भारतवर्ष धन्य है जहाँ गंगा की धारा प्रवाहित होती है। पुनः आप सबों के श्री चरण में निवेदन और तुलसी के श्री चरणों में आज जयंती के पावन वर्ष पर एक प्रार्थनावत निवेदन करूँ। जीवन जिया था पिया विस्के हलाहल को जीवन जिया था पिया विस्के हलाहल को आपने पिलाई प्रेम अनी सुबानी से चारों ओर छाई थी अज्ञान की अंधेरी निशा आपने जलाई दीप राम की कहानी से ज्ञानी कहूँ भक्त कहूँ या कि कर्मयोगी कहूँ किंकर कृतार्थ हुआ आपकी सुबानी से किंकर कृतार्थ हुआ आपकी सुबानी से। लीजिए सादर अंतिम भजन का साथ सुनते हैं।
सब काम हो रहा है।
सब काम